देखो हमें उठाने वाले भी आप ही हो, गिराने वाले भी आप ही। सो हे गाइस, फाइनली इलविस यादव और मुनव्वर फारूकी को लेकर के लफड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सो यहाँ पे इलविस यादव ने भाईचारा बना रहने के लिए अपने सभी हिंदू भाइयों से माफी मांग ली है। अब उन्होंने क्या कहा है, आइए मैं आप लोगों को उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। देखो हमें उठाने वाले भी आप ही हो, गिराने वाले भी आप ही हो, कोई दो राय नहीं है, सारी चीजें आपकी मान ए टू जेड मानता हूँ। और वीडियो भी स्टार्ट होगी, बट उससे पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं इसमें ईगो बहुत ज़्यादा है और हिंदू समाज से माफ़ी नहीं मांग रहा। भाई मैं एक बार ही नहीं, मैं हज़ार बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ हिंदू समाज से, क्योंकि हिंदू समाज मेरा अपना है, इन्होंने मेरे को उठाया है और मैं इससे बिलोंग करता हूँ, इससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी हिंदू समाज के मेरे भाई हैं उन सभी को मेरी तरफ से, छोटा नहीं हो जाऊंगा मैं बिल्कुल भी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख है, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सॉरी है कि आपको बुरा लगा मेरा कि मैंने मुनव्वर को गले लगाया। ठीक है, ये आपने मेरी सॉरी ले ली, बिल्कुल छोटा नहीं हुआ मैं, मेरे बड़े भाई भी देख रहे हैं और मेरे छोटे भाई भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटे भाइयों के आगे भी हाथ जोड़ दिया हम, उसमें भी छोटे नहीं होते हैं, इट्स ओके। अब यहाँ पे इलविस यादव बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए और उन्होंने कहा कि मुनव्वर उनको चिढ़ा रहा था तो वहीं पर वो भी उनका मजाक उड़ाने लगे। अब इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।